भारतीय रेल आपकी अपनी है, इसकी संपत्ति आपकी संपत्ति है, ये नारा आप शुरू से सुनते आ रहे होंगे। लेकिन अब ये नारा बदल गया है। रेलवे ने बुजुर्गों के टिकट में दी जाने वाली रियायत अब हमेशा के लिए खत्म कर दी है। रेलवे ने ये क्लियर कर दिया है कि अब बुजुर्गों को ट्रेनों में टिकट पर रियायतें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उन्हें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। सीनियर सिटीजनशिप में आने वाले पुरुषों और महिलाओं को अब जर्नी के दौरान पूरा चार्ज लगेगा। हालांकि ये आदेश फॉर्मर प्लेयर से लेकर अन्य कैटेगरी के लोगों पर भी लागू होगा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा निराशा बुजुर्गों को हुई है। सीनियर सिटीजनशिप के नाम पर रेलवे से उन्हें काफी राहत मिलती थी। इस महंगाई के दौर में उनकी थैली पर कम बोझ पड़ता था, लेकिन रेलवे विभाग ने एक झटके में इस रियायत को बुजुर्गों से छीन लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि यही छूट फिर सांसदों को क्यों? वर्तमान ही नहीं, ये रियायत फॉर्मर एमपी एमएलए को भी मिल रहा है। पहले ये जान लेते हैं कि रेलवे ने इस छूट के लिए क्या प्रावधान बना रखा था। सीनियर सिटीजनशिप को जर्नी के दौरान क्या राहत दी जा रही थी? दरअसल बुजुर्गों यानी कि सीनियर सिटीजन कैटेगरी में मार्च 2020 से पहले बुजुर्ग महिलाओं को किराए पर 50% और पुरुषों को सभी क्लास में रेल सफर करने के लिए 40% की छूट मिलती थी। इसके लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा 58 और पुरुषों के लिए 60 वर्ष तय की गई थी, लेकिन कोरोना काल के बाद ये छूट खत्म कर दी गई थी। 2 साल से ये छूट नहीं दी जा रही थी, लेकिन कहा गया था कि जब चालू वित्तीय वर्ष में इस पर विचार किया जाएगा, सभी तरह की ट्रेनों के खुलने के बाद इस छूट पर विचार किया जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि सीनियर सिटीजन को टिकट पर छूट देने से 2017-18 से 2019-20 के बीच रेलवे को 4,794 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल लॉकडाउन के बाद रेल सेवाएं सामान्य होने से बिहार समेत अन्य राज्यों के बुजुर्गों पर फिर से रेल टिकट में छूट की पुरानी व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद पाले हुए थे, लेकिन उनकी उम्मीदों को रेलवे ने एक झटके में बेपटरी कर दिया। रेलवे ने कह दिया कि पहले से ही यात्रियों के रेल किराए कम है, ऐसे में टिकट पर और रियायत नहीं दी जा सकती है। मतलब साफ था कि कोरोना से पहले सीनियर सिटीजन को रेल टिकट पर मिलने वाली छूट अब फिर से बहाल नहीं की जाएगी, यानी बूढ़े यात्रियों को अब पूरा किराया देकर यात्रा करनी होगी। तो आइए जानते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा सत्र में क्या कहा था। रेल मंत्री ने कहा था कि कोरोना महामारी के चलते 2 वर्षों से पैसेंजर सर्विस से होने वाली कमाई कम हो गई है, ऐसे में टिकट में छूट फिर से बहाल करने से रेलवे के वित्तीय सेहत पर और बुरा असर पड़ेगा, इसलिए सीनियर सिटीजन समेत सभी कैटेगरी के लोगों के लिए रियायती रेल टिकट सेवा बहाल करना अब संभव नहीं है। इसके बावजूद फिलहाल रेलवे 4 तरह के विकलांग कैटेगरी और 11 तरह के मरीजों और छात्रों को रियायती रेल टिकट उपलब्ध करा रही है। आरटीआई के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि पुरुष यात्रियों से 2,082 करोड़ रुपए और महिला यात्रियों से 1,381 करोड़ रुपए और ट्रांसजेंडर से लगभग 45.5 लाख रुपए राजस्व मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बुजुर्गों को लेकर रेल मंत्री ने लंबा चौड़ा हिसाब तो बता दिया, लेकिन मंत्री महोदय ने ये नहीं बताया कि सांसदों को ये छूट क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि सांसदों को रेलवे की ओर से ये सुविधाएं अब तक दी जा रही हैं। उनकी सुविधाएं बंद क्यों नहीं की जा रही? खास बात ये कि उनके बारे में रेल मंत्री ने कोई हिसाब किताब भी नहीं बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान सांसद खुद ही नहीं बल्कि वे अपनी पत्नी या पति के साथ फर्स्ट एसी में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, ये उनके लिए छूट है। फॉर्मर एमपी को ऐसी सुविधाएं अपनी पत्नी या पति के साथ सेकंड एसी में प्राप्त है,
और फॉर्मर एमपी यदि अकेले यात्रा कर रहे हैं तो वे भी फर्स्ट एसी में बिल्कुल फ्री जर्नी कर सकते हैं। मजे की बात तो ये है कि सांसदों के लिए ये सुविधा कोविड के दौर में भी बंद नहीं हुई थी। हाँ, रेलवे को ये रियायत का पैसा केंद्र सरकार चुकाती है। केंद्र सरकार के पास ये पैसा हम आप जैसे इनकम टैक्स पे का होता है। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी ये बताती है कि पिछले 5 साल में सांसदों और पूर्व सांसदों की रेल यात्राओं पर सरकार ने 62 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2017-18 और 2021-22 तक मौजूदा सांसदों की रेल यात्रा के लिए 35.21 करोड़ और पूर्व सांसदों की रेल यात्रा के लिए 26.82 करोड़ रुपए का बिल लोकसभा सचिवालय को रेलवे ने भेजा है। जबकि सांसदों एवं पूर्व सांसदों ने कोरोना महामारी के साल 2021 में भी रेलवे के फ्री पास के जरिए 2.47 करोड़ रुपए यात्रा में खर्च किए। ऐसे में बुजुर्गों का कहना है कि आम बुजुर्गों को रेलवे में कोई छूट ना देना हो तो मत दीजिए, लेकिन नेताओं को भी सरकार रियायत बंद करे। इनके पेंशन पर भी लोग अब सवाल उठाने लगे हैं। बहरहाल रेलवे ने बुजुर्गों और खिलाड़ियों को रेलवे टिकट पर मिलने वाली रियायतों को दो बंद कर दिया है, लेकिन छात्रों के लिए ये सुविधा बरकरार है। इसके पीछे लोग चुटकी ले रहे हैं कि छात्र आंदोलन से रेलवे क्या सरकार भी डरती है। अभी अग्निपथ को लेकर हुए छात्र आंदोलन में रेलवे को 700 करोड़ से अधिक के नुकसान हुए थे। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।